हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लेकर के हैं आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम का कुछ सवाल। इससे पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में जो है कुछ थ्योरी बताए हैं जिसमें कि परिभाषा है। आज हम सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये सीखेंगे जो कि दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। कितना का? तो दो अंक लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए दो अंकों की संख्या का वर्ग, मतलब दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो दो अंक संख्या कितना हो जाएगा? 10 से लेकर के 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक का वर्ग। अब मान के चलते हैं दो अंक की कोई भी संख्या ले लेते हैं। तो दो अंक की सबसे पहले कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं 76। 76 इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। 76 का स्क्वायर करना है और टाइप यहाँ पे सेकेंड लिख लीजिए, टाइप सेकंड, मतलब दो तरह से हम बना सकते हैं। 76 का स्क्वायर करना है तो इसको 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 77 49 होता। अब इसको क्या कर लिए लीजिए, तो 7 को 6 को और अपने मन से 2 को गुना कर दीजिए, तो 7 5 7 6 42। अब 42 दूनी कितना होता है? तो 84 होता है, तो 42 दूनी 84 हो जाएगा। अब क्या कर लीजिए, ये 4 को यहाँ पे नोट लिख दीजिए और ये 8 को यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, तो 6 4 3 7, 8 8 16 1 17 का 7, हाथ में 1 4 1 5, मतलब ये जो हो जाएगा 76 का जो वर्ग हो जाएगा 5776 हो जाएगा। अब हम इसको दूसरा टाइप से कैसे बना सकते हैं? आप लोग पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पे आप लोग लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम 76 को क्या करेंगे, 7 को हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे, 6 को बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर, तो इधर से कर लीजिए, तो 6 का स्क्वायर तो 6 6 का 36 6 6 36, हाथ में 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2AB है तो 2 7 5 7 6 42 2 84 84 3 कितना हो जाएगा? 84 3 हो जाएगा, तो 84 3 कितना हो जाएगा? तो 84 3 87 हो जाएगा, 87 87 के 7, हाथ में 8 हो जाएगा, 77 49 और 8 49 8 57 का 7, हाथ में 5 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए रेड पेन से, अब मान के चलते हैं हमको निकालना है 23 का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 23 का स्क्वायर निकालना है, तो 23 के स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 9, तो 2 अंक ले लीजिए, 2 2 4। अब क्या कर लीजिए, तो 2 गुना 3 अपने मन से 2 कर दीजिए, तो 3 2 6 6 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। देख लीजिए 3 2 6 6 2 12, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12, तो 12 के लिए 2 यहाँ और 1 यहाँ, अब इसको जोड़ दीजिए, तो 9 2 4 1 5, मतलब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। अब चलते हैं हम किसको, किसी 17 का स्क्वायर निकालिए, तो 17 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। अब क्या करिए, तो 7 गुना 1 गुना 2 कर दीजिए, तो इस दोनों को गुना करके 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 7 7 2 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 9 से 9 जोड़ दीजिए, 4 4 8 1 1 2, मतलब 17 17 289। चलिए हम कुछ आप लोगों को स्क्वायर लिख देते हैं 1 से 25 तक, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। देख लीजिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2 2 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3 3 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 4 4 16 हो जाएगा। अगर 5 का स्क्वायर कहीं पे पूछ ले तो 25 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर पूछे तो 6 6 का 36 हो जाएगा। अगर 7 का स्क्वायर पूछे तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 के बाद 8 का स्क्वायर पर पूछे, 1 सेकेंड,
अगर 8 का स्क्वायर पूछे तो 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर पूछे तो 9 81 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर पूछे तो 10 9 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर पूछे तो 11 11 121 हो जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर पूछे तो 12 12 144 हो जाएगा। अगर 13 का स्क्वायर पूछेगा तो 13 13 169। 14 का स्क्वायर पूछेगा तो 196 हो जाएगा। अगर 15 का स्क्वायर पूछेगा तो 15 15 225 हो जाएगा। अगर 16 का स्क्वायर पूछेगा तो 16 16 256 हो जाएगा। यहाँ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर 16 का स्क्वायर पूछेगा तो 16 16 256 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर पूछेगा तो 17 17 289 हो जाएगा। अगर 18 का स्क्वायर पूछे तो 324 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। अगर 19 का स्क्वायर पूछेगा तो 361 हो जाएगा। 19 19 361। 19 का स्क्वायर पूछेगा तो 300, कलम कहाँ चल रहा है, 361 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर पूछेगा तो 20 20 400 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम यहाँ तक अब चलते हैं। अगर आप लोगों को 2 अंक का स्क्वायर पूछ लेगा, 2 अंक का वर्ग निकालने के लिए 83 हो गया। अब चलते हैं 83 का स्क्वायर निकालिए। तो 83 का स्क्वायर निकालने के लिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 64 होता है। तो 38 24 2 72 48 ना होता तो 24 2 48 24 3 72 होता है, 24 2 48। तो 9 कर लीजिए 8 4 4 8 6 तो मतलब 6889 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग ये सीख लिए, अब चलते हैं हम 3 अंकों की का वर्ग निकालें। अब 3 अंक का वर्ग निकालने के लिए यहाँ पे लिख लीजिए 3 अंकों की संख्या का वर्ग। अब 3 अंक की संख्या का वर्ग, 3 अंक संख्या कौन सा होता है, तो 102 999 तक। अब मान के चलते हैं 109 का वर्गमूल निकालना है, तो 109 वर्गमूल नहीं 109 का स्क्वायर निकालना है। तो 109 का जो वर्ग निकालना है तो 109 गुना स्क्वायर कर देंगे। तो इसको 2 अंक ले लीजिए, तो 2 अंक लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 99 81 हो जाएगा। अब इसका क्या कर लीजिए, इसको स्क्वायर 1 का स्क्वायर करिए तो 1 का स्क्वायर तो 01 हो जाएगा। अब 9 को 1 को गुना करके फिर दुगुना कर दीजिए, तो 9 1 9 9 2 18। तो 1 यहाँ लिख दी, 18 जो है बीच में लिख दीजिए, ठीक है। अब 18 बीच में लिखने के बाद क्या करिए, एक सेकेंड, यहाँ पे 01 हो जाएगा। अब देख लीजिए इसको जोड़िए, जोड़ने का एक नियम है, देख लीजिए 81 है तो क्या कर लीजिए, 1 लिखिए, 81 लिख दीजिए। यहाँ पे 18 है तो 18 1, मतलब 11 88 1, 11 88 1 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा 109 का। अब चलते हैं हम दूसरा सवाल को। अगर 112 का स्क्वायर पूछ ले आप लोगों से तो क्या करिएगा, तो 12 का स्क्वायर पहले कर दीजिए, तो बराबर है 144, तो 144 और 1 का स्क्वायर तो 01, 2 अंक ले लीजिए। अब 12 का 12 12 दूनी 24 तो क्या करिए, तो बीच में 24 ले लीजिए। अब देख लीजिए 2 अंक ये लिख लीजिए और 1 को इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो 4 4 हो गया, 1 इसमें जाएगा तो 24 1 25, 24 1 कितना हो जाएगा, 25, 1 यहाँ पे है ही, तो मतलब 12544 का आंसर आ गया। चलिए अगर अब हम 208 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो 208 का क्या करिए, तो 1 है तो 2 2 4 8 8
64। देख लीजिए यहाँ पे भी दो अंक है, दो अंक है, दो अंक से अगर ज़्यादा रहेगा तब हम इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा तो 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इसको जोड़ लीजिए तो 43264 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43264। चलिए अगर आप लोग ये नियम सीख गए हैं तो चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, स्क्वायर और रूट वर्ग मूल, मतलब स्क्वायर रूट और वर्ग मूल निकालने के लिए। चलिए एक पेज न्यू ले लेते हैं, आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं, कुछ होमवर्क जाते वक्त दे देंगे। चलिए कल हम फिर इसको हम होमवर्क को हम डिस्कस करा देंगे। लिख लीजिए स्क्वायर रूट, अब वर्ग तो समझ गए, अब वर्गमूल समझ लेते हैं। सिर्फ जो है यह जो वर्गमूल निकलेगा सिर्फ परफेक्ट रूट का निकलेगा, सिर्फ परफेक्ट रूट का, सिर्फ सिर्फ परफेक्ट रूट के लिए जो है ये वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं 2401 का वर्ग निकालना है, 2401 का वर्ग मूल निकालना है। हम आप लोगों को सिर्फ देख लीजिए 1 से 10 तक याद रखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 100 हो जाएगा। इतना याद रखिए, सिर्फ हम बताए हैं जो कि इसमें जो है 1 से 25 तक याद कर लीजिए, बट अभी काम है 1 से 10 तक की। अब देख लीजिए 2 अंक जोड़ा लगा लीजिए लास्ट से, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है तो 1 है, तो 1 किसके कौन संख्या में तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है 24 है, तो 1 देख लीजिए 1 यहाँ पे है और इकाई अंक 9 81 एक यहाँ पे है, तो चाहे 1 होगा या 9 हो जाएगा। अब देख लीजिए 25 25 25 क्या है 24 से ज़्यादा है तो 25 नहीं हो जाएगा, 25 25 तो 25 क्या है 25 25 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 चौका 16 16 लग जाएगा इसमें भाग। तो अब देख लीजिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे 41 होगा इसका वर्गमूल जो होगा 2401 का जो वर्गमूल होगा या तो 41 हो जाएगा या 49 हो जाएगा, या तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा या तो 41 निकलेगा या 49 निकलेगा, इस दोनों में से कोई एक संख्या निकलेगा। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे तो 4 गुना 5 कर दीजिए तो 20 20 से क्या है ये ज़्यादा है, तो 20 से ज़्यादा है तो इस दोनों में 12 कौन है तो 9 है, तो अतः इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। आप लोग इसको हम लॉन्ग तरीका से भी बना सकते हैं बट वो बनाने में समय लगेगा। अब चलते हैं हम 28 09 का वर्गमूल निकालने के लिए। अब देख लीजिए 9 9 किसके किसके इकाई स्थान पर थे, 3 3 9 7 7 49 या तो इकाई स्थान पर 3 होगा या 7 हो जाएगा। अब दहाई स्थान के लिए देख लीजिए, दहाई स्थान के लिए देख लीजिए 25 25 6 6 36 तो 36 क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 25 25 कम है, 28 से 25 कम है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब या तो इसका जो आंसर आएगा 28 09 का वर्गमूल या तो 53 आएगा या 57 आएगा, इस दोनों में से कोई एक संख्या आएगा। तो इसको हम डिसाइड करने के लिए 5 से आगे कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 6 5 6 30 30 से 28 ज़्यादा है या कम है तो कम है, तो कम वाला हो जाएगा, इसका आंसर 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। चलिए फिर समझ लीजिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं तो देख लीजिए अब कोई संख्या का वर्गमूल दे रहे हैं। देखिए अब मान के चलते हैं 31 36 का वर्गमूल निकालने के लिए,
यहाँ पे 31 36 का वर्गमूल निकालिए, 31 और 36 का वर्गमूल देख लीजिए। यहाँ पे दो ठो संख्या आएगा, इकाई स्थान पे कौन कौन सी संख्या आएगा, छछा का 36 एक ही संख्या हो जाएगा। देख लीजिए छ किस किस के इकाई स्थान पे, चार के इकाई स्थान पर और छ के इकाई स्थान पे है, तो छछा का 36 या चार चौका 16, तो चार या छ आएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, छछा का 36 पचे 25 तो पाँच हो जाएगा, तो पाँच को छः से मल्टीपल कर दीजिए तो 30, 30 से ये ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा वाला ले लीजिए, तो ज़्यादा वाला कौन है तो चार बड़ा है, तो दोनों में चार बड़ा है सॉरी छः बड़ा है, तो पाँच और छः तो इसका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब चलते हैं हम, अब देख लीजिए एक तो सवाल आप लोग और देख लीजिए यहाँ से, चालीस छियानवे का वर्गमूल निकालने के लिए आज हम लोग वर्ग वर्गमूल और क्यूब और रूट पढ़ लेंगे, क्यूब रूट पढ़ लेंगे, इसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए दो अंक का वर्गमूल निकाल लीजिए, वो स्क्वायर करना सीख लिए हैं और रूट निकालना सीख चुके हैं, स्क्वायर और रूट को हम आज हम डिस्कस करा लेते हैं, उसके बाद हम क्यूब रूट को भी हम डिस्कस कर लेंगे, समय बचेगा तो। देख लीजिए 40 96 है, 40 96 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है तो 6 है, तो 6 किसके किसके इकाई स्थान पे होगा, 6 देख लीजिए 6 जो होगा वो हो जाएगा 4 के इकाई स्थान पे या 6 के इकाई स्थान, तो इस दोनों का क्रियाक्रम हो गया, बच गया 40 को हम क्या करते हैं तो छछा का 36 और 47 49 नहीं लगेगा तो छछा का 36 छः हो जाएगा, छः पर से क्या होता है तो 7 होता है, तो 7 5 7 6 42। अब देखना है तुलना करना है 40 और 42 में, तो 42 से कितना 40 कम है, तो कम वाला संख्या हो जाएगा, तो 6 और 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं, देख लीजिए अब हम थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 65 28 नहीं निकलेगा, मान के चलते देखिए 47 61 ले लीजिए, कितना 47 61 परफेक्ट वर्ग हो जाएगा, 47 61 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो दो अंक हो जाएगा, 47 61 का वर्गमूल निकालने के लिए देख लीजिए इकाई स्थान पे एक होतेगा या नौनवा 81 तो एक 9 हो जाएगा, इकाई स्थान पे एक या 9 में से कोई संख्या हो जाएगा। अब 47 है तो 47 49 ज़्यादा है तो 66 36। अब 61 होगा, इसका आंसर दो ही हो सकता है, या तो 61 होगा दहाई स्थान पे अगर 6 आ रहा है तो इकाई स्थान पे एक 9 में से कोई संख्या होगा, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो 6 पर से कौन सी संख्या होता है तो 7, तो 6 को 7 को मल्टीपल करेंगे तो 42 होगा, अब 42 से 47 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला हो जाएगा, तो 6 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, अब देखिए नेक्स्ट के लिए नब्बे 25 देख लीजिए, 90 25 में क्या है तो 5 है, 5 जो है इकाई स्थान किसके, सिर्फ 5 के इकाई स्थान पे ही 5 आएगा, देख लीजिए सिर्फ 5 और 10 इस दोनों का जो इकाई स्थान होगा 5 का 5 हो जाएगा, इकाई स्थान पे 0 का 0 हो जाएगा, जैसे कि हम आप लोगों को ये यहाँ पे गौर करिए देख लीजिए, हम बताए हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 का 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 10 का स्क्वायर 10 10 का 100, मतलब 5 और
जीरो को छोड़ करके बाद बाकी सब संख्या क्या है, रिपीट हो रहा है। दो का आठ से, सात का तीन से, दो और पाँच को छोड़ करके देख लीजिए, यहीं पे इकाई स्थान पे क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। अब देख लीजिए नब्बे है तो नब्बे अठी अठी चौंसठ नौनवा इक्यासी हो रहा है तो इक्यासी नौ हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा पंचानवे। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं क्यूब रूट की तरफ, धनमूल। हेडिंग डाल लीजिए क्यूब रूट, क्यूब रूट मतलब धन मूल। अब धन मूल देख लीजिए, धन मूल एक से लेकर के दस तक का क्यूब याद रखें। अब एक से लेकर के दस तक का क्यूब याद रख लीजिए, एक से लेकर के दस तक का जो है क्यूब जो होता है याद रखें, एक से दस तक के लिए क्यूब रूट याद रखें। तो एक का क्यूब करेंगे तो एक गुना एक करेंगे तो एक के हो जाएगा, दो का क्यूब करेंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा, तीन का क्यूब करेंगे तो तीन तिया नौ तिया सत्ताईस हो जाएगा, अगर चार का क्यूब करते हैं तो चार चौका सोलह चौका चौंसठ हो जाएगा, अगर पाँच का क्यूब करते हैं तो पचे पच्चीस पंच सवा सौ हो जाएगा, अगर छः का क्यूब करते हैं तो छछा के छत्तीस छक दो सौ सोलह हो जाएगा, अगर सात का क्यूब करते हैं तो सत्तर उनचास सत्तर तीन सौ तैंतालीस हो जाएगा, अगर आठ का क्यूब करते हैं तो अठी चौंसठ अठा पाँच सौ बारह हो जाएगा, आठ का क्यूब करते हैं तो अठी चौंसठ अठा पाँच सौ बारह हो जाएगा, अगर नौ का क्यूब करते हैं तो नौवा इक्यासी नवा सात सौ उनतीस हो जाएगा, अगर हम दस का क्यूब करते हैं तो दस दहाँ का सौ गुना दस दहाँ का एक हज़ार हो जाएगा, इसको अगर आप लोग याद रख लीजिए। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं सवाल की ओर, धनमूल क्यूब रूट कैसे निकाले, जैसे कि बयानवे इकसठ का क्यूब कहेगा, बयानवे इकसठ का क्यूब निकाले तो बयानवे इकसठ का क्यूब निकालने के लिए क्या करिएगा, देख लीजिए एक किसके इकाई स्थान पर, तो एक के इकाई स्थान पर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इकसठ का जो मान हो जाएगा एक। अब देख लीजिए बयानवे, बयानवे या किसका क्यूब है तो दो दूनी चार दूनी आठ, दो दूनी चार दूनी आठ है, तीन अंक ले लीजिए। अब दो ये देख लीजिए नौ किसके करीब है तो दो दूनी चार दूनी आठ तो ये दो का करीब है, तीन क्या नौ तीन सत्ताईस ज़्यादा हो जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा। अब देख लीजिए सत्ताईस और चौवालीस का क्यूब निकाल लीजिए, तीन अंक जोड़ा लगा लेंगे तो चार, चार किसके इकाई स्थान पर तो चार के इकाई स्थान पर है तो यह इसका जो हो जाएगा चार हो जाएगा, एक तो दो नहीं हो जाएगा तो ये यहाँ पे एक हो जाएगा, तो एक इसका जो होगा चौदह गुना चौदह गुना चौदह करिए तो कितना हो जाएगा सत्ताईस सौ चौवालीस हो जाएगा। अब देख लीजिए चलिए न्यू पेज ले लेते हैं, अब क्यूब निकाल लीजिए किसका किसका, तो बारह एक सौ सड़सठ का क्यूब निकालिए, बारह एक सौ सड़सठ का अगर क्यूब निकालेंगे तो तीन अंक ले लीजिए, तीन अंक में सात, सात किसके इकाई स्थान पे है तो देख लीजिए तीन तिया नौ तिया सत्ताईस होता है तो तीन के इकाई स्थान पे, तो यहाँ पे सात जो हो जाएगा ये तीन के लिए हो जाएगा, सात सॉरी सात जो हो जाएगा ये तीन के लिए हो जाएगा। अब देख लीजिए बारह, तो दो दूनी चार दूनी आठ होता है, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस होता है तो बारह के पे क्या हो जाएगा तो दो, तो दो, तो इसका वर्गमूल जो हो धनमूल जो हो जाएगा तो क्यूब रूट जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा तेईस हो जाएगा आंसर। अब एक बार नोट में लिख लीजिए आप लोग क्या लिखना चाहते हैं, नोट हम लिखा देते हैं कुछ, क्यूब में एक चार पाँच छ नौ और जीरो का इकाई अंक वही होता है और बदलता है दो का आठ में और आठ का दो में, तीन का सात में और सात का तीन में। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग गौर से सुन लीजिए, क्यूब में जो होता है एक, एक का स्क्वायर अगर करेंगे तो एक ही होगा, एक गुना एक कर लीजिए एक ही होगा,
अगर हम चार का स्क्वायर करेंगे, चार चौका 16 का चौका 64 होगा, पाँच का करेंगे 25 पंचायत 125, पाँच एगो 6 36 छक्का 216, 99 81, 81 नम 729, तो 9 ही हो जाएगा, 9 हो रहा है, 0 का 0 ही हो जाएगा। अब 2 का क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, 64 8 512 हो रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2 का अगर कहेगा जहाँ पे, जैसे कि मान के चलते हैं 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो इकाई स्थान पे 8 हो जाएगा। किसी भी इकाई स्थान का जैसे कि लास्ट में 512 रहेगा, 512 रहेगा, तो 2 हो जाएगा 2, 2 इसका कितना हो जाएगा, तो या तो इसका 2 का 2 है तो इसका क्यूब रूट लास्ट में क्या हो जाएगा, इकाई स्थान पे 8 हो जाएगा। अगर देखिए परफेक्ट नहीं लिख रहे हैं हम, वैसे लिख रहे हैं, हो सकता है परफेक्ट भी हो जाए और नॉन परफेक्ट हो जाए। 18528 8 है तो इसका जो इकाई स्थान पे होगा 3 अंक, तो इसका इकाई स्थान पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 8763 का इकाई स्थान पे 3 का इकाई स्थान पे 7 हो जाएगा, और 7 का इकाई स्थान पे जैसे कि 8967, तो 7 के इकाई स्थान पे 3 हो जाएगा। यही कहने का तात्पर्य है, देख लीजिए। नोट में आप लोग अच्छा से लिख लीजिए। क्यूब में जो है 1 4 5 6 9 0 का जो है इकाई अंक वही होता है और बदलता है, 2 का 8 में और 8 का 2 में, 3 का 7 में और 7 का 3 में बदलता है। चलिए अब हम कुछ क्यूब रूट का सवाल देख लेते हैं। अब देख लीजिए, अगर आप लोगों को पूछ देगा 18519 3 का क्यूब रूट निकालने के लिए, हम आप लोगों को बताए थे 3 का इकाई स्थान पे 7 हो जाएगा, 185 है तो 6 6 36 6 216 हो जाएगा, 6 6 36 6 216 ज़्यादा है, 25 25 5 125, तो 5 हो जाएगा, इसका वर्गमूल धनमूल कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा आंसर। अब देख लीजिए 70 49 6 9 है, तो हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पे 9 है तो 9 के स्थान पे 9 ही हो जाएगा, 704 है तो 88 64 88 512, 8 के बाद 99 81 नमा 729 होता है, तो 9 नहीं लगेगा 8 लगेगा, तो 8 से 88 64 88 512, 99 81 नमा 729 ज़्यादा हो रहा है तो 88 64 88 512 512 कम हो रहा है तो 8 लग जाएगा, तो इसका जो धनमूल हो जाएगा तो 89 इसका धनमूल हो जाएगा। अब मान के चलते हैं 11 9 1 0 1 6 का धनमूल निकाल लीजिए, 6 का धनमूल निकाल लेंगे, तो हम आप लोगों को बताए थे 6 का जो धनमूल हो जाएगा 6 हो जाएगा, किसके किसका बदलेगा, तो 2 का बदल जाएगा 8 में और 8 का बदल जाएगा 2 में, 3 का 7 में और 7 का 3 में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा बाद वहाँ की 2 8 3 7 बदल जाएगा, 2 का 8 में और 3 का 7 में, 7 का 3 में और 8 का तो बाद वहाँ की सेम रहेगा, तो 6 10 तह का 100 हो जाएगा, तो 10 इसका ले लीजिए, तो 10 तह का 100 तो 106 हो जाएगा आंसर। चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। और नेक्स्ट डे का जो मेरा क्लास रहेगा वो रहेगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, क्या रहेगा इकाई अंक, नेक्स्ट मेरा क्लास रहेगा इकाई अंक, चलिए जय हिंद जय भारत।